अब ये यहाँ पे आपने कंडीशन की रेंज लिखी ना 0 to 20, जी या अगर ये सर। कॉलन आता है तो यहाँ पे आउटपुट या प्रिंट कमांड जैसे लिखना चाहे, और अभी जो क्या सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कराना है तो डबल कोटेशन के अंदर ग्रेड ही लिखी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये काफ़ी, अगर इतने रन पे इतनी कंडीशन लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता प्रोग्राम, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, जी सर, और अगर वहाँ पे हम एल्स यूज़ कर रहे थे याद है, जी यहाँ पे सर, अदरवाइज एल्स की जगह यहाँ पे अदरवाइज आएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते, आज लूप बेस्ड प्रोग्राम कर लेते हैं। जी सर। इसे कर लिया। ठीक है, एक मिनट, इस लाइन को अभी इग्नोर कर दूँ, ये तो अभी डिस्कस नहीं है। ये एक और एग्जांपल है केस, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ, आखिर में ओप लिखा है, केस ऑफ भी लिख सकते हैं, केस ऑफ साइन, यानी वेरिएबल का नाम पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, डजंट मैटर। जी तो अगर प्लस आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर माइनस आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसी तरह अदरवाइज। प्रोसीजर वगैरह पढ़ा है ना आपने वहाँ पर? नहीं अच्छा, सर। नहीं पढ़ा। ठीक बोले राइट कर लिया, इसको बोलिए। राइट कर लो।
अच्छा ठीक ओके राइट कर लिए। ओके पीछे लिख है बात लिए। आपके पास बुक तो है ना पीडीएफ? जी सर। जी पीडीएफ में है। ये चैप्टर 11 में दिया हुआ केस एंड एपीयू, ये जरा खोज को कर लो। ठीक अभी पढ़ लिया? ठीक जी सर पढ़ ली। अब ये इसका फ्लो चार्ट किया हुआ केस ऑफ, ठीक है, केस ऑफ आइडेंटिफायर मतलब यहाँ पे वेरिएबल आएगा। ठीक, अगर वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग कंडीशन होगी तो स्टेटमेंट वन रन हो जाएगा या सेकेंड या थर्ड, अदरवाइज या अदरवाइज। अगर तीनों रॉन्ग है ठीक है, ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहे हैं? जी समझ आ रहा है। ये बॉक्स वाला राइट कर लो, यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ चॉइस इंटीजर आउटपुट, प्लीज इंटर योर चॉइस। ठीक है, आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया, उसके बाद ही कंपैरिजन पूरा। तो ये टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी। जी हाँ बुक में है लेकिन आप इसको राइट कर ले, ज़्यादा अच्छा है। है सर।
इसे मैंने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक सर है, अब हम लूप बेस्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लूप का आइडिया तो है ना आपको? लूप, हाँ जी, थोड़ा आइडिया। अभी देख लेते हैं। लूप, तीन तरह के लूप हैं, ये तो पता होगा, फॉर लूप, वाइल लूप और रिपीट इटरेशन। ठीक है, अगर हम फॉर लूप की बात करें तो ये उसका है फ्लो चार्ट। इसमें ना फॉर लूप में आपने ये देखना होता है कि फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी लूप स्टार्ट कहाँ से हो, ये नंबर वन। ठीक है, उसके जी बाद सर, इसकी कंडीशन चेक होती है, ये नंबर टू होता है। इसका सीक्वेंस समझ लो कि इसी तरह रन होता है फॉरवर्ड। अगर कंडीशन ट्रू है यानी विदिन दी रेंज है, तो फॉर लूप बॉडी यानी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, ये थर्ड, दिस इज थर्ड। ठीक है, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन, लूप इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इन एनी केस तो ये फोर स्टेप होता है। वापस ये चेक करने जाएगा कंडीशन को कि मैं लूप से बाहर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, दिस इज फिफ्थ स्टेप। ये पांच स्टेप होते हैं किसी भी लूप यानी फॉर लूप के अंदर। स्पेल फाइल में भी यही होता है, जी रिपीट रिटर्न में भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस चेंज रहता है, लेकिन बेसिक यही होता है। जी सर, यानी आपको स्टार्ट चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है, वन से लेना है, 10 से लेना है, जो भी है। फिर उसकी रेंज चेक की जाती है, ठीक है, अगर वन से लिया है तो फर्स्ट कलर में 10 टाइम चलाना है तो ये 10 टाइम चलेगा, 1 to 10, तो 10 इज द रेंज। सबसे चलता रहेगा जब तक वैल्यू 10 से एक्सीड ना कर जाए। अगर ये फॉल्स हो जाता है यानी 10 से एक्सीड कर जाता है, तो इसका मतलब ये वापस टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट। ये क्लियर? जी सर, ये एक और किसी का फ्लो चार्ट। अब ये एक बेसिक प्रोग्राम है कि हमने नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 10। सर ठीक है, अब बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं? सर एक वेरिएबल नम गुड, किस नाम से? नहीं, नम से नम से नहीं लेंगे ना, नम से ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम नॉर्मली हम रखते हैं काउंट, या तो जी काउंट ले लो, या काउंट। काउंट काउंट ले लो, या इंडेक्स ले लो। ठीक है, ये जी ज़्यादा सर, सुटेबल होते हैं, इसको बना सकते हो तो फॉर लूप से जी सर, ट्राई करो।
अभी बन जाएगा, डिस्कस कर ले। डिस्कस करें। ये देखो, सबसे पहले हम डिक्लेयर लिखेंगे कि कैपिटल होना चाहिए, वेरिएबल काउंटर या काउंट के नाम से ले लियो, और इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है? फॉर जी सर। लूप जो स्टूडो कोड है, सबसे पहले फॉर लिखेंगे, फिर उसके आगे उसका वेरिएबल लिखेंगे, और इक्वल या एरो का साइन, ठीक है? यहाँ पे एरो का साइन भी लगाते जाते हैं, आपने एरो जी लगाना। सर। ये चलेगा 1 to 10, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो ड्राई रन कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, काउंटर है, हमारे पास सिर्फ काउंटर, और इधर मैं आउटपुट बना रहा। जब यहाँ आया, काउंटर की वैल्यू 1 थी, कितनी थी? वन काउंट का मतलब यहाँ पे लाइन नंबर है, ठीक है? यानी आप रो 1 में खड़े हैं। उसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 less than 10। वन लेस देन 10, ये रेंज चेक हो रही है या कंडीशन चेक हो रही है, क्योंकि 1 less than 10 है। क्या ये ट्रू है? लेस देन 10 जी सर। अगर ये ट्रू है ना, तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, अंदर मिला आउटपुट काउंटर, तो ये 1 प्रिंट कर दे। समझ आए? जी सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट काउंटर क्या पड़ करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो आपका कर्सर यहाँ पे है, 2 2 क्या है, कर्सर है। ये जो काउंट लिखा है ना, ये मतलब कर्सर का कंट्रोल है, लाइन नंबर। उसके बाद ये वापस जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई ना, चेक करेगा 2 less than 10। क्या ये ट्रू है? इज दिस ट्रू? टू, जी सर। ठीक है ना, 2, जब 2 less than 10 है, तो अब कंट्रोल यहां से यहां आ जाए। आगे मिला आउटपुट काउंटर, तो यहाँ 2 प्रिंट। ये जो आउटपुट का मतलब यहाँ पे जो लिखा है, स्क्रीन है, ठीक, स्क्रीन पे 2 आ जाए। कंट्रोल यहाँ आएगा, नेक्स्ट काउंटर अब लाइन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? अगेन वापस जी जाएगा, सर। अगेन यहां से कंट्रोल इधर जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 होगी, 3 less than 10। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ठीक जी सर। है, तो ये अंदर आएगा, यहाँ पे ये 3 प्रिंट करते। इस तरह ये 10 तक चला जाएगा, प्रिंट करते करते। जब काउंट की वैल्यू, यानी यहाँ भी 10, काउंट की वैल्यू 11 हो जाएगी, और ये जाएगा अगेन चेकिंग ऑफ लूप, कि मैं लूप से बाहर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। 11 less than 10, इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर। फॉल्स, तो आप ये एंड फॉर पे आ जाए। समझ जी सर। आए इसकी वर्किंग? इसको जी सर। राइट करना है आपने, इसे लिख लिया। लिख लेना, ठीक है। अब किसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप से भी करें। वाइल लूप का स्ट्रक्चर पता है आपको? ठीक नहीं सर। है, तो आप एरे तक कैसे पहुंच गए वहां पे? तो सारे लूप वगैरह कराए होंगे ना, तो कभी तो अरे तो बगैर लूप हो ही नहीं सकता। लेकिन वो अच्छी तरह से समझ अच्छा जाए नहीं कैसे करते हैं। अच्छा अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है पेपर 2 में? अच्छा, जी सर। अभी पेपर 2 में फाइल्स तक पहुंच गए। जी फाइलिंग तक? अच्छा, सर। बड़ी तेज से भाग रहे हैं। अच्छा, इसे लेकिन फंक्शंस नहीं किया। जी फंक्शन नहीं किया ना, वो तो हो जाएगा। मेरा ख्याल डायरेक्ट मतलब आपको एरे करा दिया, फाइल करा दिया, और फंक्शन हो जाएगा उसके बाद। तो छोटे छोटे टॉपिक है। अच्छा, बहरहाल अब सर। हम चलते हैं वाइल लूप पे, ठीक है? जी सर। माइनर चेंज है, ये देखो उसी तरह डिक्लेयर करा दी, इसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, जी वहाँ सर। फॉर इक्वल, 1 to 10 था, वहाँ पे इनिशियल वैल्यू और रेंज वैल्यू
डेट और इनिशियल दोनों एक साथ है, ये देखो यहाँ पे इनिशियल वाली वन है और रैंक भी कंडीशन भी यही स्पेसिफाई करता है, जबकि व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप में इनिशियल वैल्यू अलग से लिखे, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो हम अलग से लिखे, ये देखो हमने इनिशियल काउंटर इक्वल टू वन लिखा, उसके बाद सर लिखेंगे व्हाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू टाइम। अच्छा वो जो पीछे फॉर लूप पढ़ा था ना उसको हम काउंट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, याद रख, पेपर में आ जाता है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग काउंट कंट्रोल लूप। आप परेशान, आप परेशान है कि काउंट कंट्रोल लूप कौन सा होता है? काउंट कंट्रोल फॉर लूप का दूसरा नाम है काउंट कंट्रोल, और ये जो व्हाइल है ना व्हाइल का दूसरा नाम है प्री कंडीशन। ये इस तरह के वर्ड यूज कर रहे होते हैं, सर ठीक है। अच्छा यहाँ पे वो कंडीशन लगा दी सर, कंडीशन ट्रू है 1 less than 10, ठीक है, तो ये अंदर आ जाएगा आउटपुट काउंटर, यहाँ पे स्क्रीन पे 1 आ जाएगा। अच्छा वहां था नेक्स्ट काउंट, यहाँ पे है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो सर अगेन वही के कि पहले वो काउंट की वैल्यू ये है, ये काउंट है, ये आउटपुट है, अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वापस लूप की तरफ जाएगा। 2 less than 10 चेक करेगा कंडीशन से बाहर आ सकता है या नहीं करता, जब तक, अच्छा व्हाइल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन, समझ रही पॉइंट, पॉइंट समझ में आ गया। जी सर तो अभी जी टू सर है, अब 2 less than 10 है तो यहाँ अंदर आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, बस बाकी वही है जो हम पीछे फॉर लूप पे करते आ रहे हैं। जी सर अब हम रिपीट अटेम्प्ट किया आपने, रिपीट अटेम्प्ट रिपीट एंड किया ये लाइन तो वही रहेगी। अच्छा इसमें व्हाइल में और रिपीट अटेम्प्ट में ये सिमिलैरिटी है, काउंटर इक्वल टू 1, और जो मेजर डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है, और रिपीट अंटिल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एंड में चेक हो रही है, यहाँ पे कंडीशन एंड में चेक हो रही है, उससे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। काउंटर इक्वल कंट्रोल यहाँ पे आया, उसके बाद रिपीट पे आया, इसने पहले 1 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, यानी जी सर काउंटर की वाली बार है 1 ही प्रिंट कर दिया। अब काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ये भी सेम है व्हाइल लूप की तरह, ये जो अब देखो यहाँ चेक कर रहे 2 greater than 10, 2 greater than 10 ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स है तो जब तक ये फॉल्स है ना ये लूप चलता रहेगा। तो अब ये वापस जाएगा रिपीट की तरफ, रिपीट बोलेगा भाई और इसमें जाके आउटपुट दो, ये इसने आउटपुट कर, फिर यहाँ आएगा काउंटर पे, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये लाइन 3 पे चला जाएगा, ठीक है। वहाँ इधर आके देखेगा 3 greater than 10 ट्रू है फॉल्स है, तो फॉल्स है जब तक फॉल्स है ये चलता रहेगा, ये 3 प्रिंट, ठीक है, ये अभी नहीं वापस जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, समझ आ गया आपको। आपने वाइल वाला जी ले लिया, लिख लिया फॉर वाला लिख लिया था, जी सर और वाइल वाला और जी सर वो भी लिख लिया जी रिपीट अंटिल, ठीक सर अभी लिख रहा हूँ है। तो जी ये सर तीनों, लिखिए अच्छा ये तीनों स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, क्योंकि वो इंटरचेंज करवाते रहता है, कभी फॉर से बोलेगा, कभी वाइल से बोलेगा, कभी रिपीट अंडर से बोलेगा, इन एनी वे, इन किसी भी डायरेक्शन में आपसे पूछ लेगा। जी सर ठीक है आगे बढ़े, जी सर और वो लैंग्वेज कौन सी कराएंगे, पाइथन या विजुअल बेसिक? सर अभी तक एस लेवल में कोई देखो प्रैक्टिकल नहीं होगा ए टू के स्टूडेंट बताते हो यार,
सर अभी अभी तक पता नहीं, लेकिन अच्छा शायद टेक्स्ट बुक में जो होगा शायद पाइथन होगा, जावा। टेक्स्ट बुक में तो तीन दी हुई ना, तीनों में से कोई भी ऑप्शनल है, वो तो A2 का पार्ट है ना, तो जी सर, पर देख लेना, पूछ लेना कि वो पाइथन कराते हैं या विजुअल बेसिक या जावा। सर वो रिकमेंड कर रहा था कि पाइथन यूज कर लो। हाँ पाइथन ही करना क्योंकि पाइथन ज्यादा इजी है, जी सर, विजुअल बेसिक और जावा में लंबे लंबे कोड होते हैं, फिर आपको परेशान करेंगे, जी लेंथी कोड सर, होते हैं। पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है। जी सर। अच्छा अब ये पढ़ो, प्रॉब्लम क्या थी भी? ये हो जाएगा आपसे, नहीं सर, नहीं हो पाएगा? कितने नहीं सर, वेरिएबल होंगे सर? सर इसमें दो वेरिएबल किस नाम से? और एक काउंट के नाम से और एक सम। चले फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, सम की जगह टोटल रख लेना। ठीक है सर, एक वेरिएबल और भी तो हो सकता है। आप प्रॉब्लम पढ़ी, दैट टेक्स 10 नंबर, ये कैसे होगा, इसका क्या मतलब है? दैट टेक 10 नंबर, इसका क्या मतलब है? जी यार, आर यू देयर? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ दैट टेक 10 नंबर, इसका क्या मतलब है? हाँ रोल दैट टेक 10 नंबर, इसका कोई मतलब बन रहा है? नो आइडिया। नो सर, इनपुट 10 नंबर इनपुट करा दें। अब देखो, जब भी एक से ज्यादा, जब आपने इनपुट मैनी टाइम कराना हो ना, तो इनपुट लूप के अंदर होगा। इनपुट किसमें होगा? लूप लूप के अंदर अंदर। हो। आपने ये देखा ना, दैट टेक 10 नंबर, इसका मतलब 10 टाइम इनपुट लेना है, 10 टाइम इनपुट लेना है। तो ये चीज, एक वेरिएबल आपको और चाहिए नंबर के नाम से, ये मैं आपको शो जी कर रहा सर, हूँ। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया नंबर वेरिएबल, काउंटर लूप के लिए, और टोटल जो हमने कराना है। जब भी टोटल कराना हो नंबर्स का या काउंट कराना हो, आपने टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 रखी है, इनिशियलाइज जी में 0 सर, होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब हम फॉर लूप चला देंगे, फॉर काउंटर इक्वल टू, ये लाइन तो को पहले याद, पहले भी लिख दी, क्योंकि जी सर, हमने 10 टाइम इनपुट कराना है ना, तो लूप की वैल्यू उतनी होगी जितने टाइम आपने इनपुट कराना। अब ये वो बात है जो आपसे कह रहा था, कि जब भी आपने एक से मैनी टाइम इनपुट कराना हो, तो इनपुट कराने की जो कमांड है वो लूप के अंदर होगी। जी सर, इनपुट कराने के लिए हम रीड का वर्ड भी यूज करते हैं और इनपुट भी यूज करते हैं। ठीक है, आप रीड भी लिख सकते हैं सुडो कोड के अंदर, इनपुट नंबर या रीड नंबर, दोनों दोनों एक्सेप्टेबल। यहाँ पे क्योंकि उसने कहा था कि जितने नंबर आप इनपुट करेंगे, जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे, उसका आपको टोटल चाहिए, उसका आपको टोटल चाहिए, तो जी सर, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। जैसे मैं इसका ड्राई रन बनाता हूँ, हमने कहा एक तो काउंट 3 वेरिएबल है ना, मैंने यहाँ पे सी जी लिख दिया, सर, ये सी फॉर काउंटर, और नंबर के लिए एन लिख दिया, और टोटल के लिए टी लिख दिया। अब देखो, काउंटर की टोटल को मैंने यहाँ 0 से इनिशियलाइज कर,
अब काउंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 लेस देन 10 है, 1 लेस देन 10 है, तो ये वन लूप, लेस देन टेन आप ये इनपुट करा रहे हैं, रीड नंबर, फर्स्ट कॉलम मैंने 10 इनपुट करा दिया, जी ये सर, यहाँ पे है 0 प्लस 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, है ना। जी सर, नेक्स्ट काउंटर का मतलब लूप ये सेकंड लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। जी अब जब सर, सेकंड लाइन पे आया तो यानी 2 लेस देन 10, ये ट्रू है, ये अंदर आ जाएगा। जी मैंने सर, फर्स्ट कॉलो 20 दे दिया, तो इधर आ गया, तो 10 प्लस 20 ये 30 हो जाएगा, जी सर, ठीक है। थर्ड लाइन पे आ गया, हम अज्यूम करते हैं कि हम 3 दफ़ा चलाएंगे लूप को, ठीक है। तो थर्ड टाइम चला और ये मैं 10 की जगह 3 3 कर देता हूँ, ताकि हमें ये 3 है, ये 1 2 3, चूँकि 3 इक्वल टू 3 होता है, 2 है, तो अंदर आ गया। मैंने कहा 40, 14 पर दे दिया, यहाँ आ गया ये, तो 30 प्लस 40 कितना, 70। जी सर, नेक्स्ट काउंटर 4 हो गया, 4 चूँकि ग्रेटर देन 3 लेस देन 3, क्या बोलते हैं, फॉल्स हो जाएगा, 4 लेस देन 3 फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर टोटल होगा, टोटल कहाँ होगा, लूप से बाहर, तो बार ये प्रिंट कर देगा 70, जी सर, समझ आए। जी सर, ये ट्रायल एंड कॉपी कर लो फटाफट, फिर हम इसके वाइल लूप और रिपीट रेंटल से करके एंड करते हैं। जी सर, लिख लिया ठीक है, अब हम इसको वाइल लूप से देख लेते हैं और रिपीट एंडर से देख लेते हैं। अब आप देखें पूरा प्रोग्राम सेम है, ये तो वही लाइन रहेगी, टोटल जी सर, इक्वल टू 0, वहाँ फॉर के साथ काउंटर आ रहा था, यहाँ अलग से आएगा, काउंटर इक्वल टू 1, वाइल काउंटर इक्वल टू लेस देन 10, ये दो लाइनें सेम रहेंगी। वहाँ पे नेक्स्ट काउंटर था, यहाँ काउंटर इक्वल काउंटर प्लस 1 है, ये एंड वाइल होगा, और लूप से जब बाहर आएगा तो प्रिंट होगा सेम थिंग, बस लेआउट डिफरेंट होगा। जी सर, इसको लिख लो, इसे लिख लिया जी हाँ नहीं, नीचे जाओ। अच्छा देखो, अब ये रिपीट कैंडल के साथ ये लाइन वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, वहाँ वाइल लिखा था, यहाँ रिपीट लिख दी, ये लाइन भी वही है, ये लाइन भी वही है, ये लाइन भी वही है, इसी कंडीशन एंड में चेक होती है, अनटिल काउंटर ग्रेटर देन 10 प्रिंट होता है।
रख लिया। ये ठीक है, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट जी सर, क्लास में हम डूप कंप्लीट करके ना नेशनल डूप कोशिश करेंगे, नेशनल डूप भी हो जाए तो फिर हम आपके जो A2 का मटेरियल है उस पर आ जाए। ठीक है, जी सर, अभी 82 क्यों? सॉरी AS। अभी तो ये सूडो कोड बेस चल रहा है ना, आपका बेस बन रहा है मतलब। जी सर, जी अब जो सर, आपका जो मेन मटेरियल है ना AS का बुक वाला, उसके ऊपर आ जाएगी ताकि आप उसी के साथ स्कूल के साथ अलाइन हो जाए। आप ठीक है सर, सूडो कोड आपने स्ट्रॉन्ग करना है, सारी जान ही सूडो कोड है और बाकी सब थ्योरी है। ठीक जी सर, है ना, तो सूडो कोड में बहुत ज्यादा फोकस करें। तो आपको होमवर्क भेज दूंगा, चूंकि आपने वो कर लेना है। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। सर।